हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगिफाई रिंकल में। अब मुझे आप लोग ये बताएं, आप लोग कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो इसी के साथ शुरुआत होती है मेरे मॉर्निंग रूटीन डे 4 की। और मैंने इस आपके साथ में शेयर कर रखा है मॉर्निंग रूटीन डे 1, डे 2, डे 3। और जिस किसी ने भी अब तक मेरा वीडियोज़ नहीं देखी, वो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके मेरी वीडियोज़ देखें और मुझे बताएं उनको वीडियो कैसी लगी है। और इसके साथ ही आप सब लोग भी अपना मॉर्निंग रूटीन मेरे साथ जरूर शेयर करें, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग का मॉर्निंग रूटीन जान करके। तो शुरुआत होती है मेरे डे 4 की। डे 4 का भी मेरा सेम है कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले योगा मेडिटेशन करती हूँ। और मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन जब आप करते हो तो शायद आप सिर्फ अपने आप से उस टाइम पे कनेक्ट हो पा रहे हो, तो है मेरा तो यही मानना है। तो इसलिए सबको मेडिटेशन करना ही चाहिए। इसके बाद मैं करती हूँ छोटी मोटी एक्सरसाइज जो मुझे अपने लिए सुटेबल लगती है, मैं उन एक्सरसाइज को चूज़ करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं डेली सेम एक्सरसाइज करती हूँ, मैं बदलती रहती हूँ। लेकिन अब कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, जैसे कि सूर्य नमस्कार को मैं रेगुलरली करती हूँ। लेकिन उसके साथ ही मैं और भी कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको मैं करना पसंद करती हूँ, बाकी आप जानते ही हैं। उसके साथ में मैं थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक ज़रूर करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही मैं अपने आप को नेचर से भी कनेक्ट पाती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे एक्सरसाइज करना। बहुत सारे लोग इवनिंग में करते हैं एक्सरसाइज, तो उनको जो टाइम मिलता है वो उस टाइम पे करते हैं। बट मेरी तरफ से मुझे पसंद है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग के टाइम पे आप ये सारी चीज़ों को निपटा के आप अपने आगे के दिन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि स्टडी का रहता है इसलिए मैं ये सब चीज़ें मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। उसके बाद इवनिंग में मैं वॉक करना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे योगा या मेडिटेशन नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मॉर्निंग में करती हूँ। फिर मैंने देखा था कि सूर्यदेव ने अपनी किरणें बिखेर दी हैं, तो मैंने सोचा उनसे जा करके मैं अपने हिस्से की विटामिन डी तो ले ही लूँ। तो फिर अपने हिस्से की, इसके बाद मैं जाती हूँ अपने रूम में और वज्रासन में बैठ के धीरे धीरे करके पानी पीती हूँ। फिर मैं नहा धो के अपनी हेल्दी डाइट की तरफ आती हूँ। हेल्दी डाइट में होते हैं मेरे स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को मैं बुक पढ़ते पढ़ते खाती हूँ। कोई भी बुक जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, मैं मोस्टली यही करती हूँ क्योंकि सब्जेक्ट का सारे दिन पढ़ना ही होता। तो फिर मैं कोई ऐसी बुक चूज़ करती हूँ जो मुझे वाकई में सब्जेक्ट से हट के हो, जो पढ़ना पसंद है। स्प्राउट्स खाते खाते मैं उसको पढ़ती हूँ। या तो मेरे पहले स्पॉट्स ख़त्म हो जाए या बुक का जितना सोच रखा है टारगेट वो ख़त्म हो जाए। पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ, 10 से 15 मिनट के बीच में जितनी बुक कवर हो पाती मैं उतनी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि तो ज़्यादातर टाइम अगर इसको ही दे देंगे तो बाकी फिर कैसे ही काम चलेगा। तो इसलिए एक अपना डिसिप्लिन बनाए लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और आपके लाइक सब्सक्राइब से ही मुझे मतलब ये लगेगा कि हाँ आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लग रहा है। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके मुझे बताते रहें। और वीडियोस देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।